और आज सबसे पहले बात करेंगे हाउ टू होल्ड अ क्रिकेट बैट। एवरी बैटर्स ग्रिप इज इंडिविजुअल एंड नेचुरल, इट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम अदर बैटर्स। अच्छा, ये वी शेप में पोजीशन होगी आपकी जब आप बैट उठाएंगे, इसकी बैकबोन है जो बैट की बैकबोन कहलाती है, उससे आएगा वी शेप। जो आपका लोअर हैंड है, जो आपका बॉटम हैंड भी कहलाता है, उसमें भी वी शेप बनेगा, और जो अपर हैंड है उस पर भी आपका वी शेप बनेगा। तो ये जो है वो परफेक्ट पोजीशन होती है बैट की। ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बैट होल्डिंग ग्रिप्स। सबसे पहले आती है शॉर्ट हैंडल ग्रिप्स, जिसमें आपका जो बैट का शोल्डर है उससे क्लोज होता है आपका जो बॉटम हैंड है। उसके बाद सेकेंड टाइप है लॉन्ग हैंडल, जिसमें आपका ये जो बैट होल्डिंग है वो बिल्कुल टॉप की तरफ से होती है, यहाँ पे आपका काफ़ी सारा गैप आ जाता है। और तीसरी टाइप है नॉर्मल हैंड ग्रिप, जो कि बिल्कुल मिडल से होती है, इसमें जो है वो यहाँ पे भी इतना ही फासला बाकी होता है और ऊपर साइड भी आपका इतना ही फासला बाकी होता है। तो ये जो है आपकी नॉर्मल ग्रिप कहलाती है। ये तीन टाइप्स होती हैं बैटिंग ग्रिप्स की। अच्छा, जो शॉर्ट हैंडल ग्रिप है इसमें आपके देखा होगा कि ऊपर काफ़ी फासला रह जाता है, लेकिन ये बिल्कुल जो बैट का शोल्डर है यहाँ से बैट को होल्ड किया जाता है। और इसकी जो है वो एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर हैं, वर्ल्ड फेमस हैं, लेजेंडरी प्लेयर हैं। जब वो ये बैट ग्रिप यूज़ करते थे तो इसका मतलब कि इस बैट ग्रिप में कोई ना कोई तो फ़ायदा होगा। तो फ़ायदे इसके ये हैं कि एक तो इसमें आपका कंट्रोल बहुत अच्छा आता है, नंबर टू ये कि आपका जो राइट हैंड है, जो आपका डोमिनेंट हैंड है, इसके अंदर जो है आपकी पावर आ जाती है। आप जो भी शॉट्स खेलते हैं वो आप अपने राइट हैंड से खेल रहे होते हैं जब आप शॉर्ट हैंडल पकड़ते हैं। अच्छा, लेकिन इसके नुकसान ये हैं कि एक तो आपकी थोड़ी सी रीच कम हो जाती है बैट की, और दूसरी चीज़ ये कि लंबे छक्के मारने के लिए ना इसमें इतनी ज़्यादा मदद नहीं मिलती आपको जितनी लॉन्ग हैंडल में मिल जाती है। अच्छा, अब बात करेंगे लॉन्ग हैंडल ग्रिप की, जिसमें मशहूर है आपके वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर मोस्टली जो है वो लंबे छक्के लगाने में, आपको पता है कि उनका नाम सबसे ऊपर ही रहता है। क्रिस गेल हो गए, इसके अलावा केरन पोलार्ड हो गए और ब्रैडवेट हो गए, ये सारे जो है लॉन्ग हैंडल ही यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं आपको लंबे छक्के लगाने के लिए। और इसमें क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान आते हैं? अच्छा, फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि इसमें आपकी रीच काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और दूसरा जो एडवांटेज है इसका वो ये है आपके जो बैक लिफ्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है बनिस्बत ये कि शॉर्ट हैंडल में। तो अब लॉन्ग हैंडल लेते हैं, आपका बैक लिफ्ट खुद ब खुद बढ़ जाता है। इसके अलावा आपका बैट स्विंग जो है वो ज़्यादा हो जाता है इसमें। तो ये तीन एडवांटेज हो गए, और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बैट का कंट्रोल थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब फुली कंट्रोल जो है वो आप ड्राइव वगैरह नहीं खेल सकते। ये मोस्टली प्लेयर्स जब ही यूज़ करते हैं जब उनको बड़े छक्के लगाने होते हैं, जब स्कोर ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो उस वक्त ये ग्रिप यूज़ की जाती है। तो भाई हमारे साथ मौजूद हैं एक स्टार प्लेयर, अगर आप ये बैट देख के उनको पहचान जाएं तो बड़ी बात होगी, और अगर नहीं पहचान पा रहे तो आप ये नाम देख लें। ये मैं इनके साथ काफ़ी क्रिकेट भी खेल चुका हूँ, और ये स्टार है भाई, स्टार प्लेयर हैं क्रिकेट में भी और कंटेंट क्रिएशन में भी। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शायान प्लेस क्रिकेट। शायान भाई, भाई पहले तो कोई स्टार प्लेयर वगैरह नहीं है, उन्होंने इतनी तारीफें इतना करके चढ़ा दिया। एक नॉर्मल प्लेयर हैं भाई जो क्रिकेट खेलते हैं, बस ये आरिस भाई की खूबसूरती है कि इन्होंने हमें इतने प्यार से वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया। अभी क्या करने वाले हैं भाई? सीन ये है कि मैं आजकल लोगों को जो बिगनर्स लेवल के होते हैं ना, बच्चे जो चाहते हैं कि क्रिकेट सीखें, अच्छी क्रिकेट किस तरह खेली जाती है, या बिल्कुल बिगनर्स जो स्टार्टिंग किस तरह लिया, स्टांस किस तरह लिया जाए, बैट की ग्रिप किस तरह से हो, तो मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ लोगों को। तो ग्रिप के बारे में मैंने बताया, तो स्टांस मैं चाहता हूँ कि आप अपना जो आपका स्टांस है, क्योंकि मैं राइट हैंडेड के लिए तो बताता हूँ, लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए कैसा स्टांस होगा होता है, राइट हैंडेड जो है वो भी चीज़ें काफ़ी सीख सकते हैं आपसे। तो आप वो बताएं कि आप कैसा स्टांस लेते हैं, कैसी ग्रिप लेते हैं बैट की। यार मेरी ग्रिप ओवर द ईयर्स चेंज हो गई है, पहले तो नॉर्मल बताई जाती है, वो वी ग्रिप है, बिल्कुल ऐसी है। अभी T20 में जैसे जो आपको इंग्लैंड वगैरह के प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के, वो ओ ग्रिप भी लेते हैं, बिल्कुल सही है। पावर हिटिंग में आपको थोड़ी हाई बैक लिफ्ट से भी खेलते हैं, सही बात। सॉल्ट वगैरह को नोटिस करें, हाई बैक लिफ्ट, या वो जेक करके एक ऑस्ट्रेलियन लड़का भी आया नया, बिल्कुल, और फाफ डुप्लेसी जो है वो भी काफी हाई, अभिषेक शर्मा वगैरह सारे हाई बैक लिफ्ट और बिल्कुल बॉटम एंड टाइट करके। तो जिसको जैसे इजी हो, स्टैंडर्ड ग्रिप तो आमतौर से ये होती है कि वी में आपने ऐसे बैट जमीन पे तो आपने यूं उठाया और ऐसे ही पकड़ लिया, बिल्कुल। खुद से नेट पे खेलें, खुद से देखें कि आपको किस चीज़ का बेहतर फील आता है। मैं ऐसे पकड़ता हूँ, मैं नॉर्मल लेता हूँ। लोग कहते हैं कि ज़्यादा थोड़ा सा गैप हो, मैं ज़्यादा गैप नहीं रखता, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए वैसे, थोड़ा सा गैप हो, बिल्कुल, पहनने के बाद थोड़ा सा ताकि रिस्ट जो है वो मैन्यूवर यूं कर सकें, बिल्कुल। मैं नहीं रखता, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ वैसे ही, तो बस ये है। अच्छा, इसमें भी देखा जाता है कि जबरदस्त शोल्डर वेट अपार्ट ही होते हैं मेरे दोनों, आपकी जो स्टांस के लिए केविन पीटरसन यूं करता था, वो तो भाई बिल्कुल अलग ही चीज है ना, मतलब साइड यूं करता है, हाँ। तो जैसा अच्छा टेप बॉल में देखा कि लोग मोस्टली पांव मिला के ही रखते हैं, जैसे आपके तैमूर मिर्जा इतना बड़े स्टार प्लेयर हैं, वो भी जो है पांव उनके काफी क्लोज होते हैं, लेकिन हार्ड बॉल में देखा जाता है कि नॉर्मल जो आपके वेट होगी ना वो सबसे बेस्ट रहती है। हां, नॉर्मल शोल्डर्स जितनी नॉर्मल खोल के खड़े हों,
और ये ज्यादा अच्छा आपको स्पिनर को खेल के ही पता लगेगा। अगर आपको लग रहा है मेरी ज्यादा बड़ी है, मुझे स्ट्राइड लेने में मसला बिल्कुल, हो रहा बिल्कुल, है, सही। तो फिर आप थोड़ी छोटी कर लें। अच्छा एक बात बताएं, जैसे अगर आपके पास एक खतरनाक स्पिनर आ गया आपके अगेंस्ट, तो आप क्या प्रेफर करोगे कि आप डीप क्रीज में रह के खेलोगे या थोड़ा एक स्टेप आगे रह के खेलोगे? बॉल अच्छा ब्रेक हो रहा है पिच के ऊपर, तो उसके लिए आप क्या मशवरा दे सकते हैं? यार तो बॉल की लेंथ पे ही देखेंगे, अगर वो ज्यादा ब्रेक कर रहा है और पिच स्किड नहीं हो रहा है, सही। अगर स्किड होगा, अगर स्किड हो रहा है तो बैक फुट पे जाना मसला है, सही। क्योंकि जितनी देर में मैं बैक फुट पे जाके मारूंगा वो स्किड होके विकेट के अंदर जाएगा, LBW। अगर पिच में स्किड है तो बैक फुट पे ना जाओ, अगर नहीं है ब्रेक है तो आप अपना टाइम लेके शॉट बना के मार सकते हो। बिल्कुल सही। अच्छा एक तीन चीज़ें होती हैं, ग्रिप जो है, एक जो सचिन तेंदुलकर या मैं भी जो है वो शॉर्ट हैंडल या बॉटम हैंडल जो कहलाती है, बिल्कुल क्लोज। सचिन तेंदुलकर और मैं ये बिल्कुल दो अलग अलग बातें कर दी हैं। मतलब मैं उनको फॉलो करता हूँ क्योंकि वो एक लेजेंड प्लेयर थे, विराट कोहली से पहले उन्हीं का ही नाम चल रहा है, जिन जब से विराट कोहली आया तो फिर उसके बाद जो है ना सिर्फ वीके ही चलता। तो ये बिल्कुल मैं यहाँ से क्लोज पकड़ता हूँ, ये शॉर्ट हैंडल ग्रिप कहलाती है। और कुछ बैट्समैन जो है मोस्टली वेस्ट इंडीज प्लेयर जो है वो लॉन्ग हैंडल यूज़ करते हैं, और जो वीके और बाबर आजम है वो नॉर्मल ग्रिप यूज़ करते हैं। तो आप कौन सी ग्रिप जो है प्रीफर करते हैं बैटिंग में? यार मैं बीच से ही पकड़ता हूँ। अच्छा मिल, हाँ, दोनों हाथ थोड़े से क्लोज रखते हैं, सही। तो इसमें मुझे ना, मैं स्पिनर को ज़्यादा बेहतर खेलता हूँ। अच्छा इसमें ये इसमें फायदा है, मैं स्पिनर को ज़्यादा इजीली मैनेज कर लेता हूँ। खास तौर से मैं नेचुरल T20 प्लेयर नहीं हूँ जैसे, सही सही सही, मैंने देखा फॉर्मेट में बिल्कुल ऐसी 40 ओवर के मैच के लिए आप बेस्ट प्लेयर, 50 ओवर या 2 डे अभी हमारा चल रहा है, तो उसमें मैं आराम से रिलैक्स होकर खेलता हूँ। स्लेजिंग हो रही है, ये हो रहा है, बड़ा मजा आता है। सही सही सही। कुछ लोग जैसे आपकी हिटिंग अच्छी है तो आपका बॉटम एंड नेचुरली टाइट रहता है, बिल्कुल ऐसी मेरा टाइट नहीं रहता, आपका लूज करना पड़ता है मुझे। तो मैं नॉर्मली अपना यूं रखता हूँ, ये थोड़ा क्लोज रख के, इससे मुझे ये मैन्यूवर करना, स्वीप मारना, रिवर्स स्वीप मारना। रिवर्स स्वीप आपके देखे हमने, काफी जबरदस्त चलते हैं, बस ये है। सही, अच्छा मैं ऐसे रखता हूँ। चलो बेस्ट हो गया। तो भाई आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी शायान भाई से आज, और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट कुछ सी व्लॉग में आप ज़रूर शायान भाई को देखेंगे। और एक सवाल मेरा शायान भाई से कि आजकल काफी गायब चल रहा है, मैं कॉन्टेंट इनका काफी फॉलो करता हूँ, इनका इंस्टाग्राम भी फॉलो करता हूँ, तो इनकी जो रील्स आई थी वो मैं काफ़ी सारी देखी हैं, लेकिन आज अब जो है काफ़ी टाइम से गायब हैं, तो उसका क्या रीज़न है यार? यूट्यूब से तो बिल्कुल ही गायब है, इंस्टा से भी थोड़ा सा गैप आया है। एक वीडियो जो नेक्स्ट आएगी ना उसमें इन सब चीज़ों का जवाब। अच्छा जवाब आ रहा है, तो भाई अगर आपने सब सवालों का जवाब देखना है तो आपने शायान भाई का पेज को फॉलो करना है। शायान भाई अपना पेज और अपनी YouTube ID बता दें जिन लोगों के लिए जो नए हैं देखने वाले, जिन्होंने नहीं देखा। शायान प्लेस क्रिकेट के नाम से अगर आप YouTube पे जाएं तो आपको एक लड़का मिल जाएगा, यूं करके प्रोफाइल पिक्चर होगी उसकी। तो भाई शायान भाई के कंटेंट को आपने देखना है और लाइक करना है, उसको शेयर करना है, क्योंकि बड़ा ही ज़बरदस्त कंटेंट बना रहे हैं काफ़ी टाइम से, माशाल्लाह से अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से वो रुके हुए हैं, तो आपने उसको बढ़ाना है, उसको 100K पे पहुंचाना है। सिल्वर बटन शायान भाई का आ जाना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, इस ईयर के एंड से पहले पहले शायान भाई का सिल्वर प्ले बटन मुझे चाहिए। ये मैंने नहीं बोला था, ये इनकी अपनी मोहब्बत नहीं भाई, मोहब्बत है हमारी शायान भाई से, सच बात है। कोई दिल से शायान भाई को फॉलो करते हैं, हम भी ये भी चाहता हूँ कि इनके जल्द से जल्द 100K हो जाए, ताकि इनका सिल्वर बटन आए और हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह, फिर ट्रीट देंगे ना फिर सिल्वर बटन। चलो भाई सही। ओके द बेस्ट टेक्निक टू हिट लॉन्ग सिक्सेस, इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी बैक लिफ्ट, जब आप शॉट खेल रहे हैं तो आपकी बैक लिफ्ट हाई होनी चाहिए ताकि आप लंबे शॉट्स खेल सकें। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आपका जो बॉडी का बैलेंस है, जब आप स्टांस ले रहे हैं तो बॉडी बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी आगे की तरफ गिर रही हो या बॉडी आपकी पीछे की तरफ गिर रही हो, तो उसमें आपको लंबे छक्के लगाने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है। अच्छा तीसरी चीज़ जो है इसमें बैट फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है, जब आप शॉट खेलते हैं तो आपका, जब आपने शॉट खेला तो बैट फिनिश आपका पीछे की तरफ होना चाहिए, इसमें पूरा फ्लो आना चाहिए जब आप शॉट खेल रहे हैं। अच्छा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका फोकस जो है वो बॉलर और बॉल पे आखिर तक होना चाहिए, जब बॉलर बॉल रिलीज़ कर रहा है, बॉल कहाँ पे पिच हो रही है और बॉल शॉट आपने कहाँ खेलना है, तो आखिर तक आपका फोकस उसके ऊपर होना चाहिए, आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो उससे आप लंबे छक्के खेल सकते हैं। अच्छा इसमें बैक लिफ्ट आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए और बैट आपकी क्लोज होगा बॉडी के, जब आप शॉट खेल रहे हैं बॉलर पे आपकी नज़र है और ये पोजीशन होगी और ये लेफ्ट हैंड जो है आपका पावर हैंड, ये इस तरह से मूवमेंट में रहेगा ताकि आपको शॉट खेलने में आसानी रहे। अच्छा मैंने हार्ड बॉल के मैं आपको बताया कि बैक लिफ्ट हाई होनी चाहिए, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है अगर आप टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं और अगर आपने उसमें इतनी हाई लिफ्ट के साथ बैट को रखा हुआ है तो आप क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, क्योंकि टेप बॉल के अंदर इतना टाइम नहीं मिलता बैट्समैन को कि वो इतना हाई लिफ्ट से बैट को लेकर आए और फिर वो स्विंग करे। तो टेप बॉल में मोस्टली आपने प्लेयर्स को देखा होगा, भले तैमूर मिर्ज़ा हो, असद शाह हो, टेप बॉल के
ना माने जाने प्लेयर्स हैं, तो बैट को वो रखते हैं इतनी पोजीशन पे, बस ये मैक्सिमम हाइट है और यहीं से जो है वो फिर उनको शॉट खेलना होता है मोस्टली। अब टेप बॉल में देखा गया है कि यार एक तो बॉल्स काफ़ी ज़्यादा बैट्समैन के साथ देती हैं, इसके अलावा ग्राउंड छोटे हैं, ग्राउंड इतने बड़े नहीं हैं कि आपको पूरी बैक लेके या पूरी पावर यूज़ करें, आपने सिर्फ बॉल को टाइम करना है इसमें ताकि बॉल ग्राउंड से बाहर इजीली चले जाए। कोकोनट वुड यूज़ हो रही है, टेप बॉल क्रिकेट के अंदर जो बैट हैं वो कोकोनट वुड के बने हुए हैं, तो उनसे शॉट्स खेलना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, सिर्फ आपने टाइमिंग अपनी परफेक्ट करनी है, बॉल ग्राउंड से बाहर खुद ब खुद चली जाती है। तो टेप बॉल में ये चीज़ बिल्कुल गलत साबित हो जाएगी कि अगर आप अपनी बैक लिफ्ट जो है वो हाई रखेंगे, टेप बॉल क्रिकेट में आपने लो रखना है, लेकिन हार्ड बॉल क्रिकेट में आपको मेंटेन है, क्योंकि हार्ड बॉल में मोस्टली इतने ज़्यादा तेज़ बॉलर्स नहीं आते हैं, वो एक्सेप्शनल केस है कि आप जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स को देख रहे हो वो बॉलिंग कर रहे हैं, जब आप छोटे लेवल के क्रिकेट खेल रहे हो तो उसमें 120 125 मैक्सिमम जो आते हैं ये 130 तक के पेस के बॉलर्स होते हैं, और उनको आप इजीली शॉट्स खेल सकते हैं अगर आपकी बैक लिफ्ट अच्छी है और आपके पास अच्छा क्या है कमेंट करके बताएं। अच्छा, क्रिकेट में बैटर्स के लिए स्पेशली मसल पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके जो है बड़े बड़े मसल्स होने चाहिए या आपकी मस्कुलर बॉडी होनी चाहिए तो फिर आप बड़े छक्के लगा सकते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। मैंने देखा है स्किनी प्लेयर्स होते हैं लेकिन वो इतने लंबे लंबे छक्के मार रहे होते हैं, उसका रीज़न ये है कि एक तो उनकी रिस्ट में पावर होती है, जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग रिस्ट होगी ना उतने ज़्यादा अच्छे छक्के और उतनी ज़्यादा अच्छी बैटिंग आप कर सकते हैं, तो मेन रिस्ट जो है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो रिस्ट की कुछ एक्सरसाइज हैं, अगर आप वो रेगुलरली करेंगे तो आपकी रिस्ट स्ट्रांग हो जाएगी और आप मेरी तरह जो है वो लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। देख रहे हैं बॉडी बिल्कुल स्किनी है लेकिन छक्कों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, छक्के लंबे होने चाहिए, छोटे छक्कों में मज़ा नहीं आता, रन तो छह ही मिलते हैं लेकिन जो दिल को सुकून मिलता है ना लंबे छक्के मार के घरों में बॉल फेंक के, वो नेक्स्ट लेवल है। तो भाई ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि आपको इस तरह की मज़ेदार वीडियोज़ देखने को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।